आरएसएस महिला शाखा के ड्रेस पर क्यों मचा है कांग्रेस बीजेपी में घमासान? क्या महिलाओं के कपड़े देखना ही कांग्रेस का संस्कार है? गुजरात के वडोदरा में स्कर्ट वाला बयान देकर कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने बीजेपी को हमला करने का बड़ा मौका दे दिया है। बीजेपी की महिला नेता अब इस मुद्दे को जोर शोर से उठाकर राहुल गांधी को घेरने में जुट गई है। दरअसल मंगलवार को वडोदरा में एक जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने बीजेपी के मात्र संगठन आरएसएस पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान उन्होंने न सिर्फ आरएसएस में महिलाओं की भागीदारी बल्कि संघ की आधिकारिक पोशाक हाफ पैंट को लेकर भी तीखी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि इनका संगठन है आरएसएस, कितनी महिलाएं हैं इसमें, कभी शाखा में महिलाओं को देखा है शॉर्ट्स में? मैंने तो नहीं देखा। राहुल यही नहीं रुके, उन्होंने बीजेपी और आरएसएस पर महिलाओं के प्रति गैर बराबरी का नजरिया रखने का भी आरोप लगा दिया। राहुल गांधी का बयान सामने आते ही गुजरात की पूर्व सीएम आनंदीबेन पटेल ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया। राहुल से अपने बयान के लिए माफी मांगने की मांग करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस की यही दृष्टि है कि वो महिलाओं के कपड़े देखे, कांग्रेस का यही संस्कार है, अब कांग्रेस से पूछकर महिलाएं कपड़े पहनेंगी। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि राहुल ने गुजरात की महिलाओं का अपमान किया है, अगर कांग्रेस ने माफी नहीं मांगी तो पूरे गुजरात की महिलाएं इसका विरोध करेंगी। उन्होंने कहा कि आरएसएस में महिलाओं की अलग शाखा है और पूरे देश में लाखों शाखाएं चल रही हैं, लेकिन राहुल को इनकी जानकारी नहीं है। उधर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने भी राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा है। स्मृति ने कहा कि अगर राहुल जी का मानना है कि भारत में स्कर्ट पहनना महिला सशक्तिकरण की निशानी है तो बतौर महिला मैं इसका खंडन करती हूँ। जाहिर है बीजेपी जिस तरह से इस मुद्दे को जोर शोर से उठा रही है उससे इतना तो साफ है कि पार्टी इसे विधानसभा चुनाव में भी भूनने की कोशिश करेगी। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि राहुल गांधी या कांग्रेस उनके इस बयान पर क्या सफाई देती है। इंडिया न्यूज़ वायरल की रिपोर्ट।